दबंगाई भी ऐसी कि पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर के जमकर फायरिंग करके गांव में दहशत फैलाने वाले को ग्रामीणों की सूचना पर गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर भी लाइसेंसी बंदूक तान कर खड़ा हो गया। लेकिन प्रभारी निरीक्षक बारा जयप्रकाश शाही, उप निरीक्षक गणेश शंकर तिवारी, उप निरीक्षक अजय सिंह के द्वारा सूझबूझ से काम लेते हुए उक्त युवक के पास से बंदूक भी बरामद कर जब्त कर उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध बारा पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करके आज जेल भेजा गया है। वहीं पकड़े गए युवक का नाम नीरज बिंद पुत्र पारसनाथ बिंद निवासी हुवर का पूरा असरवई का रहने वाला है। कोशाम्बी कड़ाधाम थाना क्षेत्र लहदरी के जंगल में कुछ लोग एक गाय को बंधक बनाकर उसका मांस काट रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापा मार दिया। इस दौरान एक युवक को प्रतिबंधित मांस और काटने के अवजार सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके से 7 अन्य फरार हो गए। कड़ाधाम कोतवाली प्रभारी राधेश्याम वर्मा को मुखबिर ने सूचना दी कि लहदरी नाला आलिम के खेत के पास जंगल में नाले के पास एक गाय को 7-8 लोग पकड़कर उसकी हत्या कर मांस काट रहे हैं। मासूम बच्ची का गला घोटकर हत्या, परिजन और पुलिस नरबली की आशंका जता रहे हैं। आपको बताते चलें कि छत पर लकड़ी के ढेर में शव मिला। कल शाम को घर के पास ही अचानक लापता हुई थी। आज शाम को शव फेंकने के दौरान खुलासा हुआ। पुलिस और परिजन नरबली की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी के घर पर गड्ढा खोदने का निशान, गर्दन पर नाखून के 2 निशान। एसपी, एएसपी और सीओ कई थाने की फोर्स के साथ गांव पहुंचे। कोखरास थाना क्षेत्र के इचौली गांव का ये पूरा मामला है। शहर उत्तर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि विक्रांत शुक्ला ने बताया कि आज विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी के द्वारा बाघमबरी रोड यूको बैंक अल्लापुर में मास्क और साबुन वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद माननीय केसरी देवी पटेल जी उपस्थिति रही। विक्रांत शुक्ला जी ने यह भी बताया कि विधायक जी लगभग 65 दिनों से राशन और मास्क अलग अलग क्षेत्रों में वितरित कर रहे हैं। आज के इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी जी, मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष भरत निषाद कुंज बिहारी मिश्रा, पीआरओ गिरजेश द्विवेदी, अमित त्रिपाठी, विकास सिंह, मुकेश द्विवेदी, मनोज शुक्ला, राकेश द्विवेदी, नितिन केसरवानी और भी कई साथी साथ में लगे रहे। प्रतापपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजगामा गोरम खदान में पिछले दिनों तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि 3 जून की रात आरोपियों में एक बार फिर से मोरम खदान में जाकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उनकी तलाश में कई जगह छापेमारी की है। कौशाम्बी जनपद के करारी कस्बे के आजाद नगर मोहल्ला स्थित करबला के समीप बिजली के खंभे में करंट उतर आया, जिससे एक बेजुबान जानवर घोड़ी मौके पर ही चिपक कर मर गई। साथ ही वहीं पर खेल रहे 2 मासूम बच्चे बाल बाल मौत के मुंह से बच गए। करारी कस्बा निवासी मोहम्मद हनीफ पुत्र बफाती की घोड़ी करबला के समीप चल रही थी, वहीं पर खेल रहे 2 मासूम बच्चे काल के गाल में सवाने से बच गए। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये घटना बताई जा रही है। कौशाम्बी से मिराज शेख की रिपोर्ट। बिजली विभाग की वजह से हमारी घोड़ी मर गई, लापरवाही से। हम बहुत गरीब आदमी है सर, क्या कर सकते हैं, काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। बिजली विभाग की बहुत बड़ी यहाँ करारी के अंदर में लापरवाही चल रही है, जो लापरवाही के चलते हुए अभी एक जानवर मर गया है और वहीं पे 2-3 बच्चे भी खेल रहे थे। गनीमत यह हुआ कि वो बच्चे करीब में नहीं थे, नहीं तो बच्चे भी मर जाते हैं। बिजली विभाग प्रशासन से अपील करते हैं, बिजली विभाग से कहें कि जो करारी में बिजली में कमियां हैं उसको दूर की जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे जिससे किसी भी हानि हो या किसी जानमाल का नुकसान हो। अब ये गरीब आदमी थे जिनका जानवर मर गया है, भट्टे का काम करते हैं, अब उनके पास यही जानवर थे, अब कैसे वो अपना घर बार चलाएं, अपने बाल बच्चों को पाल, इसलिए प्रशासन से अपील है कि उनकी मदद की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हसन अली है। ग्राम सभा उनो सरसवा कौशाम्बी ग्राम पंचायत उनो के बभन पुरवा गांव में जो इस समय मौजूदा ग्राम प्रधान है वो विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जो कि ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में विकास के नाम पर कोई सुविधा नहीं है।
लगभग सन 2000 ईस्वी में से लेकर के आज तक हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। आज हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे गांव के लिए कोई विकास नहीं आया। आज सन 2020 तक कोई हमारे ग्राम भवन पूर्वा में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है।